आप सनाते नहीं है ना, अपने हाथ में कलाबा बांध रखा है ना सर, मेरे हाथ में बांधी है और मंत्र के साथ बांधी ना सर। वो सब मंत्र संतर हम नहीं जानते। ये इन बद्धो बलि राजा देन वंद्रो महाभारत इन तो प्रतिबद्धन मई रक्षति मा चल मा चल। और ये कोई जवाब नहीं है। माम भिरक्ष रघुकुल नायक धृत कर चाप रुचिर कर सायक मोह मह घनपटल प्रबंजन संस विपिन अलल सुरंजन अगुण सगुन गुण मंदिर सुंदर भव बारिदी मंदर परम अमदर बारह तारे संस्कृति दुष्कर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणत तारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बस राम द्रीप मम उदंतर। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए। अब एक बात सुनिए, आपने सारा बात बोल दिया, अब एक बात, सब बातों का एक बात, आपका इंटरव्यू हो गया। सिर्फ एक बार मयान से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अरे तो इसमें शाहरुख खान का क्या दोष है? गजब बहाल है, कहां का लॉजिक कहां जोड़ रहे हैं? पठानों का समर्थन मैं नहीं करूंगी, मुगलाई का समर्थन नहीं करूंगी। अगर देश में रहना है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ। और शाहरुख खान वाले मैटर पे आप फंस गई, अच्छे से फंस गई। आपने सुनिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कोई लॉजिक नहीं था विरोध करने का। आपने सीधे कहा कि जो सलवार और तलवार की नोक पे सलवार उठाने वालों की हम फिल्म नहीं देखेंगे। आपने ऐसे पूरी बात सुने, मैंने ये कहा कि तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाली की मूवी ना देखे। आपका देश प्रेम है कि नहीं पता नहीं। नमस्कार, हमारे साथ जो लड़की है, लोग इनको हिंदू शेरनी कहता है, लेकिन जब आप इनका इंटरव्यू सुनिएगा, इनकी बात सुनिएगा, तो ऐसा लगेगा कि ये मुस्लिमों की कट्टर विरोधी है। तो मुस्लिमों की कट्टर विरोधी आप हैं कि नहीं? गिने चुने हैं ना हाथ पे, जिनको मैं मानती हूँ, जिनका आदर करती हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के नहीं है, डॉक्टर तारिक। मतलब ज्यादातर लोगों की आप विरोधी हैं? हाँ, ज्यादातर लोगों की विरोधी इसीलिए हूँ कि जो जिहादी और रोहिंग्या मंसूबे लोगों को आदर मानता है और उनको इस देश से निकालने के। आपको कैसे पता है कि ज्यादातर लोग रोहिंग्या को जो है वो उसी का सपोर्टर है? एनआरसी जब आया था तो किसने बोला था कि देश के सभी मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे? किसी ने बोला? सरकार ने ऐसा बोला? तो मुझे एक बात बताइए कि किसके समर्थन में ये लोग सीएनआरसी के टाइम वहाँ पूरा शाहीन बाग जाम करके बैठे थे, जब हमारे देश में विदेश से प्रधानमंत्री आए पड़े थे? क्यों? मतलब कि सरकार जो कर रही है, लोग उसका अगर विरोध करेंगे तो वो देश के खिलाफ में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप विरोध करिए, लेकिन देश की संपत्ति तो मत जलाइए। विरोध करना आपका हक में। कहां पे देश का संपत्ति जला? सर नहीं जला, अग्निवीर आया। मनीष कश्यप, अरे अग्निवीर में तो देश के वो नौजवान थे। हम क्यों जलाए? वही तो वो सब देश विरोधी हो गए? बिल्कुल नहीं, ये चीज मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। देश में जो भी हो रहा है, दिक्कत यही है सर, ये जो लोग करते हैं ना, वो अकेले नहीं करते हैं, पीछे नेताओं का हाथ होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ये देश की संपत्ति जलाने का हक और जो दिमाग में आता है ना, ये कोई बैठे बैठे युवाओं को नहीं आता है, इनको भी पीछे से पुश किया जाता है, तब ये लोग आते हैं। तो उसके लिए आपको लगता है कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी ही दोषी हो गया, ज्यादातर लोग दोषी हो गए? मैंने ये कहा? हाँ, आपने कहा कि आपने कहा ज्यादातर, आपने कहा ज्यादा समर्थन करने वाले का समर्थन आप ज्यादातर है तो वो करें। आप कौन होती है डिसाइड करने वाले कि ज्यादातर लोग समर्थन में है या नहीं? डिसाइड कहाँ करा मैं, तो अगर वो ज्यादातर लोग समर्थन कर रहे हैं तो मैं उन ज्यादातर लोगों को गलत बोल रही हूँ, लेकिन उन ज्यादातर लोगों में अगर देश के समर्थन करने वाले लोग हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगी। क्या बात कर रही है? आपने शाहरुख खान की फिल्म बिना देखे आपने कहा था कि मैं सलवार और तलवार वालों की फिल्में नहीं देखूंगी। आप कैसे मान लेती हैं कि शाहरुख खान बहुत घटिया किस्म का इंसान है? शाहरुख खान ने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है, कभी 50 लाख पाकिस्तान को नहीं दिया है, कभी एक बयान ऐसा नहीं दिया है शाहरुख खान ने, सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से ही आपने विरोध किया। अच्छा, आपको याद है हमारे देश में बद्रीनाथ घटना हुआ था? याद होगा आपको, है ना? कितने खानों ने अपने पैकेट से पैसे निकाल के दिए थे? ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन होती हैं। मैं महीने का अगर 50,000 कमाता हूँ, कौन होता है ये सवाल उठाने वाला कि वो कहे कि मैं अपने गांव में 10,000 दूं या ना दूं? मेरी मर्जी भाई, मेरी कमाई है, मैं नहीं दूंगा। शाहरुख खान की कमाई शाहरुख खान की मर्जी, अमिताभ बच्चन की कमाई अमिताभ बच्चन की मर्जी। अगर वो देते हैं तो आदर्शवादी हैं, लेकिन नहीं देते हैं तो विरोधी तो नहीं है। विरोधी नहीं है, लेकिन एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि मैं केवल शाहरुख खान के विरोध क्यों हूं, ठीक है? तो अभी एक दिन उनका भी बयान आया था ना कुछ दिन पहले, नसरुद्दीन के साथ। नसरुद्दीन को क्या लगता है, आपको सिर्फ 35% थे उनको हीरो बनाने वाले या हम और आप भी थे? सब थे ना। तो मुझे एक बात बताइए, उनको इस देश में डर क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? मतलब इस देश का, सुन लीजिएगा पूरा, इस देश का कमाए, इस देश का खाए, इस देश का एक मिनट अपने देश में चेहरा बनाए, और अंतिम समय में जब उनके जीवन का अंतिम समय आता है तब वो ये कहते हैं कि मुझे इस देश में डर लगता है। ऐसा क्या बात कर रही है? हमें बिहार में डर लगता है? क्या बात कर रही है? हमें बिहार में डर लगता है? हमें डर लगता है सच बोलने पे? हमें डर लगता है कि अगर हमने ऐसा कुछ बोला तो हमको टांग लिया जाएगा? तो अगर किसी व्यक्ति को किन्हीं कारणों से डर लगा तो वो देश विरोधी हो गया, वो देश विरोधी हो गया। अक्षय कुमार ने कनाडा का नागरिकता लिया है, तो खुद बोल रहे हैं कि वो देश विरोधी हो गया।
गया, मतलब कि आप ये मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने अभी तक एग्री किया नहीं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो देश विरोधी है? कह रहे हैं कि हम है विरोध में। सर एक बात सुनिए, ये देश सेकुलरिज्म इसीलिए है, एकदम सच्चाई अगर आप इसे स्वीकार करें तो, बिना कोई पक्ष और बिना कोई तर्क वितर्क दिए अगर इस बात को स्वीकार करें तो, इस देश में अगर लोकतंत्र बचा है, इस देश में अगर सेक्युलरिज्म का टैग है, इस देश में अगर संविधान, क्योंकि हिंदू ज्यादा है, आप यही हिंदू ज्यादा है, अगर इस देश में बाकी में इस्लाम मुसलमान या कोई भी कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते ना, जितना पूछ रहे ना सर नहीं पूछ पाते। तो उपाय बताइए क्या है? ये तो समझ में आ गया कि विरोध करना है और विरोध आप कर रही हैं लगातार, लगातार आप आग उगल रही हैं, हालांकि लॉजिक नहीं है तब भी आप आग उगलती हैं। हाँ। और शाहरुख खान वाले मैटर पे आप फंस गई, अच्छे से फंस गई। आपने सुनिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कोई लॉजिक नहीं था विरोध करने का, आपने सीधे कहा कि जो सलवार और तलवार की नोक पे, सलवार उठाने वालों की हम फिल्म नहीं देखेंगे। आपने ऐसे पूरी बात सुने, मैंने ये कहा कि तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाली की मूवी ना देखे। आपका देश प्रेम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुसलमानों के प्रति किस हद तक प्रेम है मैं आपको बताती हूँ। इस देश में हमारे देश के 21 सिखों ने हजारों मुसलमानों को, मुगल के औलादों को धूल चटा दिया, लेकिन ये इतिहास नहीं बता रहा है। और आज उन सिखों पे मूवी ना आकर केसरी आई थी ना सर, कितने लोगों ने बोला नहीं नहीं समर्थन करेंगे ना, विरोध भी हो रही थी, लेकिन आज पठान आई है तो बड़े बड़े नेता भी समर्थन कर रहे हैं। पठान मैं बता रहा हूँ, वो जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, 21 सिखों ने जिस 10,000 पठानों की बात करी थी, सिर्फ एक बार म्यान से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अरे तो इसमें शाहरुख खान का क्या दोष है? गजब बहाल है, कहां का लॉजिक कहां जोड़ रहे हैं? पठानों का समर्थन मैं नहीं करूंगी, मुगलाई का समर्थन नहीं करूंगी। अगर देश में रहना है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा। अब देखिए ये इस तरह का इनका बयान है, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, मैं विरोध कर रहा हूँ। इनके हिसाब से अगर ये बात सही है तो पंजाब में खालिस्तान मांगने वाले सर गलत कैसे हो गए? अगर यहाँ पे हिंदुत्व की बात करना, हिंदू राष्ट्र की मांग करना अगर सही है, तो एक जवाब दे दीजिए कि पंजाब वाले जो अमृतपाल सिंह खालिस्तान की डिमांड कर रहा है वो गलत कैसे है? सर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं सर आप, पाकिस्तान बनने मैं का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। लग रहा है सर, मानती हूँ कि लेफ्ट विंगर्स हैं, लेकिन सर पूरे सवाल का जवाब, वाह, क्योंकि जिस तरह आप हिंदुओं का विरोध लगातार कर रहे हैं और पाकिस्तानी मुसलमानों और शाहरुख खान का समर्थन कर रहे हैं, और यही रही बात जो आप रूप की बात कर रहे हैं ना कि देखिए मैं इस रूप के विरुद्ध हूँ, यही रूप है जो हमारे देश की लड़कियों को लफ्जात से बचाएगी, ये चूड़िया पहनने वाला रूप नहीं बचाएगा, याद रखिएगा इस बात को। एक बात बताइए, यहाँ पे 1 जनवरी से आपको दिक्कत होगा? 1 जनवरी 1 जनवरी लोग क्यों मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर लोग क्यों मनाते हैं? सर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सर 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सनातनियों के हिसाब से, आज 9 वर्ष की। आपने कितनी बार बोला है सरस्वती पूजा के पंडाल में चोली लहंगा वाला गीत बजता है, आपने कितनी बार विरोध किया? कितनी बार आपने पूछा है सर? आप पूछो मैं विरोध करूंगी। नहीं, हम लोग तो लगातार उस पे बोलते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल छोड़ दीजिए, आज से पहले आप लोगों को लग रहा होगा, आ जाइए मेरे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को उतार के देखिए, यदि मैं एक जगह पे ये बोली होंगी कि मैं ऐसे गानों को समर्थन करती हूँ या का समर्थन नहीं, आपने विरोध में कब बोला है, कब अपील किया है आके किसी भी मीडिया पे? सुन लीजिए मेरी बात, मेरी वीडियो जाके देखिए ना सर, आप एक काम करिए, जाइए और जाके वीडियो पे लिखिए मैंने समर्थन या मैं इस चीजों का विरोध करती हूँ। अगर मैं सनातनी, ये भी मैं कहती हूँ कि अगर किसी भी नवरात्रि, मेरे पोस्ट देख लीजिए अभी भी मेरे सभी फेसबुक पे होंगे, नवरात्रा में, हनुमान जयंती में, ये रामनवमी में, या कभी भी ऐसे चीजों में कोई भी अश्लील गाना बजना, ये हमारे लिए दुष्प्रभाव है, ये हमारे लिए दुर्घटना वाली बात है। तो कितने कितने संगठनों ने इसके लिए जो है वो लाठी लेकर लठैती किया है, लठैती किया सर, तो आपने कहा? मैंने ठीका नहीं लिया ना, मैंने आप जितना जोर, सुनिए आप जितना जोर दे रही हैं, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे घास उग आया है और उसको खत्म करना है, तो मुझे लगता है कि उस घास को काटने से ज्यादा बेहतर होगा कि यहाँ लड़कों को खेलने का फील्ड बना दिया जाए, अपने आप वो घास खत्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हिंदुत्व अगर सही हो, सनातन की बात हो, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ में बोले, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने धर्म को प्रमोट करें। जियो, मतलब कि आप मानते हैं कि जो 33 कोटि देवी देवताओं को गालियां पड़ती है, हमारे शिवलिंग को गालियां देते हैं, ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, वो सही है? वाह, ताली है ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर के लिए, बहुत बड़ी ताली है। मैं विरोध करती हूँ आपका भी, यदि आप एक सनातनी होने के बाद भी हमारा विरोध कर रहे हैं तो मुझे घिन आती है, मैं उनका इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर हमारे देवी देवताओं को गालियां पड़ेगी ना, तलवार उठा के काटने का हिम्मत अकेली रखती हूँ। और आमतौर पे जब कोई ऐसे बोलता है तो उसके सपोर्ट में तालियां ही बजती हैं, और बजाने का
और बजाने का कारण ये होता है कि उग्र बातें बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी समझ में आती हैं। बाकी हमने बस इतना कहा, बाकी मर जाए तो वो नहीं समझ आती, लफ्ज हाथ में लड़कियां कट जाए वो नहीं समझ आती, लेकिन कोई 21 साल की लड़की कोई अफताब आके 10 टुकड़े कर दे, 36 टुकड़े कर दे वो नहीं समझ आती, लेकिन कोई एक लड़की अपने धर्म के लिए बोलती है तो आ गए धर्म विरोधी सवाल करने। मुझे लगता है कि सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि धर्म विरोधी बात कर रहे हैं। ये सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। मुझे लगता है कि अगर मुझसे ज्यादा यहाँ कट्टर कोई है ही नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ याद है, मुझे सबसे ज्यादा सनातन धर्म की एक एक बातें पता है, एक एक बात मैं जानता हूँ, नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, मैं एक एक बात जानता हूँ, बैठ के इनको बढ़िया से एक एक चीजें समझा दूंगा, एक एक चीज पढ़ा दूंगा, लेकिन इसके बाद भी विरोधी मैं हो गया। सर आप सनातनी है ना, अपने हाथ में कलाबा बांध रखा है ना, सर मेरे हाथ में बांधिए और मंत्र के साथ बांधिए ना, वो सब मंत्र संतर हम नहीं जानते। ये नवद्दो बलि राजा देन वंद्रो महावार्तेन तो हम प्रतिबद्धनमई रक्षति मा चल मा चला। और ये कोई जवाब नहीं है। मान भिरक्षय रघुकुल नायक धृत कर चाप रुचिर कर सायक मोह माया घनपटल प्रबंजन संशय विपिन अलल सुरंजन अगुण सगुन गुण मंदिर सुंदर भव बारिदी मंदर परमंदर बारह तारे संस्कृति दुष्कर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणत तारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसौ राम द्रीप मम उदंतर। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए। अब एक बात सुनिए, आपने सारा बात बोल दिया, अब एक बात, सब बातों का एक बात, आपका इंटरव्यू हो गया, अब एक बात हो ये सही जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। आप सनातनी है, आप सनातन के समर्थन में लेकिन किसी के विरोध में नहीं है, यही बोलना चाहते हैं। मैं सनातन हूँ, मैं किसी के विरोध नहीं हूँ, लेकिन कोई मेरे विरोध जाएगा तो मैं उसे बख्शने वाली नहीं हूँ, मुंह खुले चैलेंज में बोलती हूँ। और आमतौर पे यही होता है कि जब किसी से जाके आप कुछ पूछिए तो संस्कृत का चार गो श्लोक सुना देता है। इन्होंने केन बद्धो बलि राजा वाला श्लोक सुनाया, बदले में हमने श्री राम स्तुति पूरा श्री राम चरित मानस का सुनाया, और आप वहां से मत बोलिए, आप वहां से शांति में बैठे रहिए, आप वहां शांति में बैठे रहिए, आप वहां पे आराम से शांति में बैठिए, मौका मौका दिया जाएगा तो बोल लीजिएगा, उनका गुस्सा देख लीजिए एक बार कैमरे पे। ये चीज है, इन्होंने ना तो संस्कृत का श्लोक जान लेने से आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाइएगा, ना सनातन के समर्थक हो जाइएगा, आपको समझने के बाद हो जाएंगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैंने हर एक पार्ट में जहाँ जहाँ मुझे अच्छी लगी मैं पढ़ी हूँ, ना ही मेरी इतनी उम्र हो रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ सर, मैं आपके विरोध नहीं हूँ, लेकिन आज से 4 साल पहले अगर आप मेरे पोस्ट पर जाइएगा तो वहाँ आपको एक फोटो दिखेगा ऐसे हाथ किया हुआ है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लिखा है। मैं भी कभी इन सब चीज़ों को फॉलो करती थी, लेकिन जब लगातार आघात हुआ तब मुझे ये रूप धारण करना पड़ा है, अन्यथा मुझे भी जरूरत नहीं थी जी। हमारे केंद्रीय मंत्री बाकी हमारे साथ खुशबू पांडे हैं, इनका अपना मत है, मेरा अपना मत है, और मैं हमेशा से इस बात के समर्थन में रहा हूं कि अपने धर्म का प्रचार बड़े स्तर पे होना चाहिए, दूसरे धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत हैं तो उसके लिए कानून है, हम लोगों को उस पे दबाव डालना चाहिए कि कानून बेहतर। कानून से डरते, ये तो बोलते हैं कि मरने के बाद 72 हुर मिलेगी, तो ये लोग कानून से भी नहीं डरते ना सर, क्या करें। वैसे तो बहुत लोग नहीं डरते हैं मैम, ये कोई बात नहीं, वैसे सबका तोड़ तो निकालना पड़ेगा, कुछ कोशिश करते हैं, कुछ आप करिए कुछ हम करेंगे। बाकी मुझे लगता है कि इनका क्या मत है, इससे पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा, जाना भी होगा। अब हमारी कोशिश थी कि एक बार अपने तरीके से मैं बताऊं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी गाली देने से पहले ये जरूर समझ लीजिएगा कि जितने बड़े आप सनातनी है उससे बड़े हम कहीं हैं और आपसे ज़्यादा जानते हैं, बस उन चीज़ों को और गलत तरीके से मैं पेश नहीं करता। बाकी देखने के लिए आपका धन्यवाद, आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव।